स्टूडेंट्स, तो सेकंड शिफ्ट का आज 21 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का शिफ्ट ओवर हो चुकी है और उसके रिव्यू के लिए अपन हम आए हैं यहाँ पे। तो आइए आपको आपका पेपर का लेवल बता देते हैं कैसा क्या रहा। तो अच्छा गया पेपर। तो हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे पेपर कैसा था। आपका नाम बताइए। कपिल गुप्ता। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करे? मैंने 50 ही किए हैं। 50 पूरे कर दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ क्वेश्चंस लिख के लाए क्या? अच्छा, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के बता दीजिए। ई गवर्नेंस आया था एक, तो अच्छा वो किसने शुरू किया जम्मू कश्मीर में। जी हाँ। और आगे? और एक आया था मानस नदी गंगा की सहायक नदी है या नहीं। हाँ, एक जे आया था। और एक धूमे के स्तूप आया था, किस राज्य में स्थित है धूमे के स्तूप? हाँ, ये उस बुद्ध से रिलेटेड। हाँ, वो बुद्ध से रिलेटेड। और एक आया था आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं, इलेक्ट्रोमल ग्रंथि से निकलते हैं ना, ग्लैंड रहती है ना। हाँ, और वैसे ये आए थे, ये औसत का आया था, 3 दिए थे ये 42-1917। अच्छा, ये दिए थे इनका औसत था। मतलब कुल मिला के पेपर अच्छा गया है। और उसके बाद ये कुछ नए क्वेश्चंस तो कुछ में नहीं, करंट थी बस 5 नंबर की करंट थी। हाँ, करंट 5 नंबर। हाँ, करंट थी। बाकी मैथ्स एडवांस में थे, 4 सवाल थे, वो भी 2D के थे बस। 2D के? हाँ, 3D के तो नहीं पूछ रहा शायद अभी, एक भी नहीं। नहीं, अच्छा 3D के। और बाकी रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग ठीक थी, अच्छी थी रीजनिंग। हाँ, अच्छा। और बाकी साइंस में कुछ नया? नहीं, साइंस क्या क्या कुछ अच्छी आ रही साइंस में? जी एक तो जी आ रहा था सिरका, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, जी सिरका करता है, एक तो जी आया था, ये पहले भी आ चुका। हाँ जी, एक बार और जी भी आ चुका है, वो इलेक्ट्रोमल ग्रंथि भी आ चुकी है। हाँ, और वो विटामिन सी का नाम आया था, रासायनिक नाम एक जी आया था, एस्कर भी कमल होता है ना उसका। हाँ, और भी थे, अब ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट आपकी। नाम अजहर अली। अच्छा, कितने पेपर? बहुत अच्छा गया था, सरल था। कितने आपके? आपके मैंने 47 करे, 50 में आउट ऑफ 50 में। क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन तो एक करंट का भी था, पूछा था कि जम्मू कश्मीर में 2022 में नवंबर में अध्यक्षता किसने करी थी, एक करंट उसमें था, वायुसेना का अध्यक्ष पूछा था। अच्छा, और करंट से दो तीन थोड़े से हल्की सी, मतलब जीके थोड़ी सी अच्छी थी। क्या किस हिस्ट्री से थी? हिस्ट्री से तो नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, हिस्ट्री से जीके, भूगोल से, भूगोल से भी नहीं था शायद क्वेश्चन। और यूँ पूछता कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। नहीं, अच्छा, वो मानस वाला। हाँ, और मैथ्स बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, मतलब बच्चा माना इतना सरल है। रीजनिंग भी आउट ऑफ कर देगा कोई बच्चा, बहुत सरल। थोड़ी सी बस करंट आया था, करंट बस हल्का सा वो दे रहा दिक्कत बस। अच्छा, करंट और जीके का? करंट और थोड़ी सी जीके में बस, है ना, क्योंकि इनका सिलेबस भी बड़ा रहता है। हाँ, उस जगह से पूछ सकते हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, पेपर रिजल्ट के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्मी वालों ने पेपर सारे ही इजी रखे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि अगर शुरू में ही आप बच्चों को टफ पेपर दे देंगे तो उनका मनोबल डाउन हो जाता है। तो एक इजी पेपर से सारे बच्चे जो है वो अच्छा पेपर देखे हैं और उनको बहुत एनर्जी है उनके अंदर। आइए और किसी भी स्टूडेंट से जुड़ते हैं। भाई पेपर कैसा गया? पेपर कैसा गया? पेपर तो बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छी आई थी। पर बाकी जीके जीएस थोड़ा हार्ड आया था। अच्छा, पुराना पूछा हुआ था, साइंस भी थोड़ा था, बाकी रीजनिंग और मैथ्स तो बहुत ही सरल आई थी। मतलब सब बन गए आपके? हाँ, रीजनिंग के तो 5 के 5 कर दिए और मैथ्स में 15 ही बन गए। कट ऑफ कितना जाने के? मैं तो कुछ ये तो बता नहीं सकते अभी। और आपने कितने अटेम्प्ट करे? लगभग करे, मतलब 40 के समथिंग ऊपर कर दिए। 50 नहीं करे, 40 के, मतलब 40 से ऊपर कर दिए होंगे ना, है ना। ठीक है, आप दोनों को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद सर। स्टूडेंट्स, तो जहाँ तक कि अपन ने आज रिव्यू लिया, उसमें ये कुल मिला के सामने आया है कि पेपर बहुत इजी आया मैथ्स और रीजनिंग का। और अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग कुल मिला के बहुत सरल आ रहा है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जीके में और जीएस में, तो करंट अफेयर का भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5। तो आप इसी तरह से तैयारी करते हुए, आप जो क्वेश्चन पूछे गए उनको रिवाइज करते हुए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए तैयार रहिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।